हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों के एक बहुत ही बेहतरीन रायते की वीडियो, जो कि है पथुए का रायता। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ये रायता बनाया जाता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है ये रायता। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और क्या आपने इस तरीके से पथुए का रायता कभी बनाया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम बथुआ। इस टाइम मार्केट में बहुत ही फ्रेश बथुआ आ रहा है। देखिए इस तरीके से हमने पत्तियों को अलग कर लिया है। बथुए में बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, तो इसलिए आपको इसको सर्दियों में डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए अपनी। तो अब हम इसको अच्छे से 3 से 4 बार धो लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल अच्छे से धोने के बाद हम इसको उबालेंगे। यहाँ पर हमने लिया है एक पैन और उसमें डाला है 1 गिलास पानी। और अब इसको ढककर कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। 4 से 5 मिनट बाद ये देखिए बथुआ बहुत अच्छे से गल गया है और ये बिल्कुल अच्छे से उबल गया है। इस स्टेज पे गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट ना बनाएं, थोड़ा सा दरदरा ही रहने दें। ये देखिए मिक्सी में हमने ग्राइंड कर लिया है। इसका हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा ही रहने दिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको पेस्ट बनाना है। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप दही। इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे। अब फेंटे हुए दही में डालेंगे बथुए का पेस्ट जो हमने अभी रेडी किया था। इसको अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात बता देती हूँ, आप बथुए का जो पेस्ट आपने बनाया है उसको 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिलाएंगे इसको और अब हम इसका बनाएंगे एक तड़का। यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में घी जम जाता है इसलिए हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। उसमें डाला है 1/4 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। फिर डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच देगी मिर्च। इसको अच्छे से हिलाएंगे और रायते में कर देंगे मिक्स। ये हो गया हमारा स्पेशल बथुए का रायता तड़के वाला। क्या आपने इस तरीके से तड़के वाला बथुए का रायता बनाया है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो इसे बिना तड़का लगाए भी खा सकते हैं। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, नमकीन चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।